हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 के साथ साथ आपके सामने आ रहे हैं। ये कॉमर्स के लिए एक्सरसाइज है, मैं सेपरेट एक्सरसाइज बना के दे रहा हूँ कॉमर्स के लिए। अभी देखो, यहाँ पे कॉमर्स वालों के लिए ये जो एक्सरसाइज है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए होगा, एक्सरसाइज बहुत ईजी है। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा तो आपको ऐसा फील होता होगा कि यार एक्सरसाइज बहुत हार्ड होगा, तो प्लीज़ टर्म्स के ऊपर मत जाओ, जो अंदर एक्सरसाइज है बहुत ईजी है। यहाँ पे एक क्वांटिफायर लिखा हुआ है तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। देखो, आपने फर्स्ट टाइम जब भी अगर कोई हार्ड वर्ड अगर आपने पढ़ा होगा, मैक्सिको या क्रिस गेल, ये जो वर्ड्स है आप फर्स्ट टाइम अगर सुनते हो तो आपको बहुत ही हार्ड लगता है। बट अभी अगर मैंने बोला तो बहुत ईजी क्यों लग रहा है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये वर्ड्स बार बार सुना है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 1 या 2 टाइम क्या करना है, लिख लेना है, और लिखने के बाद आपको याद हो जाएगा। और आपके एग्जाम में ये सब नहीं आने वाला है कि आपको ये लिखने के लिए आने वाला, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं भी बोलने आया तो भी चलेगा। तो ये क्या है, क्वांटिफायर। अगर कुछ नहीं आता तो आप क्यों समझना। तो क्वांटिफायर विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल एंड सेकेंड वन इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। पहला कौन सा है, यूनिवर्सल, और दूसरा कौन सा है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। जो मेन पार्ट है वो आपको यहाँ पे देखना है कि जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है उसे हम उल्टा ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, उल्टा ए से। और इसे हम रीड क्या करते हैं, ये उल्टा ए तो मैं अपने लैंग्वेज में आपस में हम जब बात कर रहे तो मैं बोल रहा हूँ, बट इसे हम रीड क्या करते हैं, फॉर ऑल। इसे हम रीड क्या करते हैं, फॉर ऑल। क्या रीड करते हैं, फॉर ऑल। एंड सेकेंड वन इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर, यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा है, यहाँ पे उल्टा ई आएगा। क्या आएगा, उल्टा ई। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर उल्टा ई, उल्टा ई। और इसे हम क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट। क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट। हम क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट। अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस आपको मैं बताना चाहता हूँ, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, प्लीज आप यहाँ पे ध्यान दो, दोनों का डिफरेंस आपको समझना है। प्लीज आप यहाँ पे देखो दोनों का डिफरेंस पता क्या, यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल। मतलब यूनिवर्सल मतलब कि जैसे भी मेरे ब्रैकेट, जैसे यहाँ पे एक ब्रैकेट है, इसके अंदर वैल्यू है 1, 2, 3, 4, ये जो 1, 2, 3, 4 वैल्यू, ये सबके लिए सेटिस्फाई होगा, फॉर ऑल। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा ना, फॉर ऑल मतलब ये जो वैल्यू है वो किसके लिए सेटिस्फाई होगा, हर एक के लिए। 1 के लिए भी सही होगा, 2 के लिए भी सही होगा, 3 के लिए भी सही होगा, 4 के लिए भी सही होगा। तो अगर सबके लिए होना ही चाहिए तो यहाँ पे क्या आएगा, कंडीशन मतलब क्या है, ट्रू है। बट अगर समझो इसमें से कोई एक वैल्यू हमारे कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे सेटिस्फाई करेगा वो मैं आपको सिखाऊंगा। अगर कोई भी एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उसको ये बोल सकते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट बोल सकते हो। तो देयर एग्जिस्ट मतलब कोई भी एक वैल्यू क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। और जो दूसरा वाला पार्ट है, फॉर ऑल मतलब फॉर ऑल, यूनिवर्सल मतलब फॉर ऑल, मतलब हर एक वैल्यू सेटिस्फाई होना चाहिए। तो गाइस फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉर ऑल मतलब हर एक सब वैल्यू क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। और देयर एग्जिस्ट मतलब जितना भी दिया होगा उसमें से एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, पर सबके सब नहीं होंगे। समझ में आया, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आप समझ रहे हो ना, मेरे टोनिंग के ऊपर जाओ। तो फिर से आपको मैं बता रहा हूँ, ये सिंबल को क्या बोलते हैं, फॉर ऑल। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे जो उल्टा ये आपको दिखाई दे रहा होगा इसे हम क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट। तो यहाँ पे आपके लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने क्या दिया है, बी विच इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। एंड यहाँ पे फॉर ऑल दिया है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ये आप प्लीज ये जो टोनिंग है आपको याद रखना है, एक्स बिलोंग टू बी, मतलब एक्स को ढूंढने जाना है तो कहां पे जाना पड़ेगा, बी में। बी कहां पे, यहां पे, मतलब यहां पे ढूंढो एक्स को, कहां पे ढूंढना है, बी में। अब ये कंडीशन जो दिया है यही कंडीशन है, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। और यहां पे ऑल है, फॉर ऑल है, मतलब ये कंडीशन एक्स के हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। अब देखो यहां पे अगर मैं 1 पुट करता हूं, 1 less than 5, दैट इज करेक्ट है। 2 पुट करता हूं, सही है कि भाई 2 जो है 5 से लेस है। 3 रखता हूं, 3 भी सही है। 4 रखता हूं, 4 भी सही है। तो मतलब ये जो कंडीशन है ऑल के लिए सही है, तो ये समझना है। तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। और इसका जो ट्रूथ वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, टी आएगा। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज टी। तो यहां पे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट पार्ट, अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूं, जैसे यहां पे मैंने यहां मैं एक वैल्यू 5 रखता हूं और यहां पे मैं ऑल लिखता हूं, देखो ये 1 तो सेटिस्फाई होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, पर 5 जो है वो लेस देन नहीं है, 5 इक्वल है, तो 5 नहीं होगा। तो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। गिवन स्टेटमेंट आरो क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन बी,
1, 2, 3, 4 और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मैं इसे बार बार एटलीस्ट बोलता हूँ, पर ये देयर एग्जिस्ट है, एटलीस्ट मतलब कोई एक वैल्यू, इसमें से कोई भी एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। देन एक्स जो है, एक्स के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, बी पे जाना पड़ेगा, बी कहाँ पे, यहाँ पे है, और ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन के लिए इसके अंदर से कोई भी एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। देखो यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ, 1 + 1 2 होता है, 4 आ रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, 2 लिखता हूँ तो भी 3 आ रहा नहीं हो रहा है, 3 लिखता हूँ 3 + 1 4 मतलब ये जो है इसके लिए वैल्यू सही है, तो सही है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, देयर एग्जिस्ट इट मीन्स कोई भी एक वैल्यू क्या होना चाहिए इसके अंदर से, सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। तो एक वैल्यू हो गया है तो मतलब ये कंडीशन अपना क्या ट्रू है। बट अगर समझो यहाँ पे अगर ऑल आया होता तो 1 तो नहीं हो रहा है, तो 2 तो नहीं हो रहा है, तो सबके सब होने चाहिए थे, अगर ऑल आया होता तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता। तो गाइस जो आपके सिलेबस में जो आपको जो क्वेश्चंस दिया है उसके अंदर आपको यही बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है उसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, तो आपको देखना है और डायरेक्टली आपको उसका आंसर लिखना है, और उसके बारे में आपको और भी जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा मत देखो, देखो जितनी चीज़ें सिंपल हो जाए उतना अच्छे से आपके स्टडी के लिए फ़ायदा होता है, तो ज़्यादा मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश नहीं करूँगा। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, डिलीट नहीं किए, चालू है ये वीडियो, बंद भैया बेचारे कब से भैया खड़ी हुई है शांति से एकदम, कुछ जितने लोग हैं ना सबको खड़ा कर, सब मजा आएगा। मौका पाते सब घूमने का, तो गाइस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको बाद में कराऊंगा क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन से आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड सबसे पहले मैं करा के दे रहा हूँ जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ बी, यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया है और फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है आपके क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है फॉर ऑल, इसको आपको रीड, हाँ तो सबसे पहले कमेंट्स कर दो, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, जल्दी से कमेंट्स कर। तो इसे हम क्या बोलते हैं फॉर ऑल, इसे हम क्या बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, इसे हम क्या बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। अगर हम अपने लैंग्वेज में बात करें तो फॉर ऑल मतलब ये पूरे वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, और इसके लिए क्या होगा, कोई भी एक वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगा तो भी चलेगा, इसके लिए भी कोई भी एक वैल्यू, तो हमें बस ट्रूथ वैल्यू बताना, अगर स्टेटमेंट गलत है रॉन्ग है तो हम क्या लिखेंगे, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज एफ। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब अपने को बी पे जाना है, सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, मतलब ये जो एक्स यहाँ पे जितने भी वैल्यू है ये प्राइम नंबर है या नहीं है, ये हमें क्या करना है बताना है। तो मुझे बताओ 2 प्राइम नंबर है, हाँ है, 3 है क्या प्राइम नंबर, है, 5 प्राइम नंबर है, है, 6 प्राइम नंबर है क्या 6 प्राइम नंबर, सब प्राइम नंबर होने चाहिए, ऑल 3 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब जिसमें खुद से बस डिवाइड जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 6 है, 6 यहाँ पे है, 6 में तो 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है,
मैंने क्या बोला प्राइम नंबर मतलब खुद जैसे 3 है बस 3 से डिवाइड जाता है, 1 से भी जाएगा तो 1 और खुद के नंबर से डिवाइड जाएगा तो उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका रॉन्ग हो गया। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो, देखो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो इसलिए मैं थोड़ा सिंपल आपको लिख के देता हूँ, नहीं तो यहाँ पे एक दो स्टेटमेंट और लिखते हैं, बट आप लिखो आपको मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, गिवन स्टेटमेंट गलत है ना, सब पे सेटिस्फाई नहीं हुआ, एंड देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट is, so truth value क्या आएगा बताओ, false आएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि आपको answer कैसे लिखना है। Then second question, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, there exists n belongs to b, फिर से हमें b पे जाना है, such that n plus 6 is greater than 12, is greater than 12। अब एक एक value रखो आप, यहाँ पे 2 रखो, 2 plus 6 greater than 12 होता है क्या, 8 greater than 12 है, नहीं है ना, पर यहाँ पे देयर एग्जिस्ट है, कोई एक होना चाहिए। 3 रखो, 3 प्लस 6 9, 9 भी 12 से ग्रेटर नहीं है। 5 रखो, 5 प्लस 6 नहीं है। 6 रखो, 6 प्लस 6 12, वो भी ग्रेटर नहीं, इक्वल है। 7 रखो, 7 प्लस 6 कितना होता है, 7 प्लस 6 13 होता है। देन आया ना, मतलब 13 के लिए क्या है, कंडीशन क्या है, राइट है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू क्यों है पता है ना, कोई एक तो कोई भी एक वैल्यू सेटिस्फाई होना चाहिए था, तो कौन सा वैल्यू हुआ था, 7 हो गया था, एंड देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज क्या आएगा, उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, टी आएगा। और अगर आपको थोड़ा सा आगे लिखना है तो आप लिख सकते हो, यहां पे ऐसा अगर आपको लिखना है तो आप लिखो एक्स बिलोंग्स टू ऐसे लिखो एक्स इक्वल टू यहाँ पे n है तो n लिखना पड़ेगा आपको, n इक्वल टू क्या है यहाँ पे 7 सेटिस्फाई द इक्वेशन जो हमारा इक्वेशन है। अगर आपको चाहिए तो ये आगे आप लिख लोगे तो और अच्छा है, या तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि मतलब ये जो है हमारे कंडीशन को इक्वेशन को क्या कर दिया है, सेटिस्फाई कर दिया है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं और आपको अब आइडिया आ गया होगा कि आंसर कैसे लिखना है, क्या है। देखो यहाँ पे लिखा है देयर एग्जिस्ट n belongs to b such that 2n plus 2 less than 4, क्या लिखा हुआ 2n plus 2 less than 4, क्या लिखा 2n plus 2 less than 4, क्या लिखा 2n plus 2 less than 4। यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू लिखना है, यहाँ पे कोई भी एक सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ पे 2 रखो, क्या आएगा 2 रखोगे तो यहाँ पे 2 2 plus 2 मतलब 2 2 जब 4 plus 2 कितना है 6, जो 6 है और यहाँ पे क्या है less than 4, जो 6 है 4 से थोड़ी ना less than है, यहाँ पे जो 6 है वो ग्रेटर है ना 4 से। देखो आपको नहीं समझ में आता तो ग्रेटर का सिंबल ऐसे देखने का, ऐसे ऐसे ड्राइंग बनाने का, देखो यहाँ पे ये जिसको खाता है मतलब वो ग्रेटर है, तो यहाँ पे एक्चुअल में तो ये ग्रेटर है, तो ये कंडीशन रॉन्ग हो गया। अब मैं पहला ही अगर मेरा रॉन्ग आया, अगर मैं दूसरा रखूंगा तो उससे और बड़ा नंबर मिलेगा, और तीसरा रखूंगा और बड़ा नंबर मिलेगा। यहाँ पे 6 अगर मैं रखता हूँ, 6 टू जो 12, 12 प्लस 14, तो 14 तो 4 से जो है वो ग्रेटर है, पर यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल तो 4 को दिया है, मतलब ये जो स्टेटमेंट हो गया है फॉल्स है। तो आप क्या लिख सकते हो, सेम ऐसा कॉपी करो, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये सेम आप यहाँ पे कॉपी करके लिखो। ओके क्या लिखोगे, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज एफ। तो गाइस यहाँ पे आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं आगे के दो क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूँ, जस्ट आप थोड़ा सा वेट करो। तो गाइस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा ब्रैकेट था वो मैं लिख देता हूँ फिर से। बी का क्या था, 2, 3, 5, 6, 7, तो ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड बताया है, तो आपको आइडिया तो आ गया है कैसे सॉल्व करना है। जस्ट आप मुझे बता भी सकते हो कि सर इसको ऐसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे फॉर ऑल मतलब ये पूरे के पूरे सेटिस्फाई होने चाहिए, such that y square is a negative, जैसे अभी वहां पे n था, वहां पे x था, तो यहाँ पे y belong to b, मतलब y के लिए हमें यहाँ पे जाना है। इसका स्क्वायर लेंगे तो नेगेटिव नंबर आना चाहिए, तो 2 का स्क्वायर लो तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, 4 आ रहा है, 3 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, हाँ नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो जो स्टेटमेंट हो क्या है, फॉल्स है। तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, एंड देयरफॉर द ट्रूथ
value of given statement is क्या आएगा बोलो F. क्लियर हो गया आपको? तो ये आपका सॉल्यूशन है. तो नेक्स्ट लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th. तो अभी आप स्टार्टिंग में जब नेमिंग सुन रहे थे तो आपको बहुत ही हार्ड लग रहा था, बट अभी आपको कितना इजी समझ में आ रहा है. फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b such that y माइनस 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. n मीन्स क्या होता है? नेचुरल नंबर. n मीन्स क्या होगा? नेचुरल नंबर. क्या होगा n मीन्स क्या होगा? नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर मीन्स क्या होता है? 1, 2, 3 अप टू एंड पॉइंट. तो यहां पे क्या है कि फॉर ऑल, ऑल मीन्स जितने भी नेचुरल नंबर है उसको ये बिलोंग्स होना चाहिए. तो हम देखते हैं वाई, वाई यहां पे क्या है? 2 है. अगर मैं यहां पे 2 माइनस 5 लिखता हूं तो आंसर क्या आता है? माइनस 3 आता है. तो ये माइनस 3 नेचुरल नंबर तो नहीं है, तो पहला ही कैंसिल हो गया. अगर पहला ही गलत हो गया, क्योंकि ऑल चाहिए तो आगे का तो चेक करने की जरूरत नहीं है. पहला ही रॉन्ग हो गया तो आगे अगर पूरे के पूरे राइट भी आए तो भी रॉन्ग ही रहेगा, क्योंकि ये सबके लिए कंडीशन ट्रू होना चाहिए था. तो आप क्या लिखोगे? सेम यही लिखोगे, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज एफ. तो आप सेम टू सेम यहाँ पे ऐसे जस्ट यहाँ पे आपको कॉपी करके क्या करना है? लिखना है. समझ में आपको यहाँ पे? तो प्लीज आप अच्छे से घर पे स्टडी करते जाओ. यहाँ पे मैंने आपका 1.5 एक्सरसाइज कराया. हाँ, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा. जस्ट यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो. नेक्स्ट टाइम मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करा के दूंगा. मुझे जिसमें ऐसा लगेगा कि आपका कॉन्फिडेंस जहां पे ज्यादा आने वाला है वो मैं आपको पहले करा के दूंगा. तो गाइस, जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को जहां तक हो सके आप सब्सक्राइब करवाओ. और इस आपको पता है कि इस चैनल पे बाकी के सब अपडेट आ रहे हैं, तो और घर पे बैठ के स्टडी करो. थैंक यू.